What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family. दोस्तों मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और अपनी पढ़ाई और सेहत दोनों का ध्यान अच्छे से रख रहे हो। दिन जो होना चाहिए पूरे जोश में स्टार्ट होना चाहिए ताकि इवनिंग तक अपने दिन को अच्छे से आप लोग यूटिलाइज कर सके, क्योंकि जोश में किया गया हर एक काम आप लोग सही तरीके से कर पाएंगे, वरना डल डल अगर फील करेंगे मॉर्निंग में ही तो फिर इवनिंग तक आप लोग अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अपने टाइम के साथ में। तो इसी के साथ में आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो का आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग क्वेश्चन दिखता है स्क्रीन पर, छोटा सा काम आप लोग करना है, क्वेश्चन आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा, लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है पोर्ट मोंगला के बारे में। ये पोर्ट रिसेंटली अभी न्यूज में था, कौन सी कंट्री में है ये पोर्ट? ए में बोला गया इंडिया, भारत, बी में बोला गया म्यांमार, सी में बोला गया इंडोनेशिया और डी में बोला गया बांग्लादेश। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि बांग्लादेश में। ये पोर्ट रिसेंटली अभी न्यूज में था क्योंकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री की विजिट पर थी, तो इस पोर्ट के बारे में बात की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं यहाँ पर इस पोर्ट के बारे में। पहले आप लोग एक बार लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, ये अपनी कंट्री हो गई। थोड़ा आप लोग नीचे आएंगे यहाँ पर तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया यहाँ पर, और एक यहाँ पर चितगोंग, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है बांग्लादेश के। तो यहाँ पर इन्हीं पोर्ट के बारे में बात की जा रही थी। रीजन क्या था? रीजन यहाँ पर यह था क्योंकि हमारी कंट्री की अगर कनेक्टिविटी आप लोगों को बनानी है तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं एक तो खासकर इस कंट्री से होकर हम लोग ऐसे अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से हम लोग कनेक्टिविटी बना पाते हैं तो अपने नॉर्थ ईस्ट में हम लोग सामान आसानी से भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहां पर है कि आसानी से हम लोग यहां पर कुछ भी अपने नॉर्थ ईस्ट में भी सामान यहां पर ले जा सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू आगे बढ़ाकर। तो ये भी कई सारी बातें हैं। वैसे चितगोंग पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, अगर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर पोर्ट है हमारी कंट्री के लिए। तो अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री की विजिट पर थी तो उस टाइम पर काफी कुछ बातें इसके बारे में की गई पोर्ट मोंगला के बारे में, ठीक है। तो ये बांग्लादेश का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ई दंत सेवा के बारे में। तो ये क्या है, इसके बारे में और किसके द्वारा बनाया गया है, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो आप लोग इसकी स्टेटमेंट देखिए और फिर आंसर बताइए। बोला गया कि फास्ट अपने ही तरीके का नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ओरल हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज डिसेमिनेशन के बारे में बात करता है। दूसरा बोला गया ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था एम्स और नीति आयोग के द्वारा मिलकर। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी बोला गया ओनली टू, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नन ऑफ द बोथ। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है यहां पर। ये फर्स्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ओरल यानी कि मुंह के बारे में बात करता है, जिसे दांत होते हैं मुंह में तो उनके बारे में यहां पर बात करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन का प्रसार करता है। दूसरा बोला गया लॉन्च किया गया यहां पर एम्स और नीति आयोग के द्वारा, तो ये गलत है यहां पर। ये फैमिली एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, नीति आयोग नहीं यहां पर, एम्स है यहां पर, ठीक है। तो ये गलत है यहां पर, ये मिनिस्ट्री और एम्स के द्वारा मिलकर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो आंसर ए हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं नेशनल ई असेसमेंट स्कीम के बारे में, NEAC इसको बोला गया शॉर्ट फॉर्म में। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहले बोला गया यहां पर ये एक तरीके से जो इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स के लिए वो ई असेसमेंट के बारे में फोकस करेगा, जो कि फेसलेस ई असेसमेंट है इनकम टैक्स पेयर का, यानी कि एक तरीके से यहां पर इनकम टैक्स पेयर को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, उसके चलते ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है और प्रॉपर वे में। दूसरा बोला गया NEAC, ये दिल्ली में जो हेड किया जाता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा यहां पर इसको हेड किया जाता है, यानी कि दिल्ली मेन ब्रांच है। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया यहां पर दो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर यहां पर सेटअप किए गए हैं दिल्ली और चेन्नई में। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया वन एंड टू, बी में बोला गया टू एंड थ्री, सी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव और डी में बोला गया वन एंड थ्री। सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहां पर। ये बात की जा रही है ई असेसमेंट के बारे में, फेसलेस असेसमेंट के बारे में, और दूसरा यहां पर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यहां पर इसको हेड करने वाले हैं। पर लेकिन जो रीजनल ऑफिस के बारे में बात की गई यहां पर, रीजनल सेंटर के बारे में, ये यहां पर गलत बोला गया। दो नहीं, टोटल मिलाकर 8 रीजनल सेंटर स्टेब्लिश करने की बात यहां पर की गई है। एक होगा दिल्ली में, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 8 रीजनल सेंटर यहां पर इनके द्वारा स्टेब्लिश किए जाएंगे जो इस पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करेंगे, ठीक है, कि कैसे वेरीफाई करना है ये सब चीजें, और ताकि प्रॉब्लम देखने को न मिल सके। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में था। तो आंसर यहां पर ए हो गया।
इसके अलावा आखिर ये इतना न्यूज में क्यों था, अगर आप लोगों से कोई पूछे, आप लोगों को पता होगा सीसीडी कैफे वाला जो अभी केस आया था, तो वहां पर बोला गया टैक्स टेररिज्म को, यानी कि जो टैक्स अथॉरिटी है वो एक तरीके से टेररिस्ट, एक तरीके से काफी टेरर फैला रही है, खासकर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको एक तरीके से परेशान किया जा रहा है। अगर यहां पर सब कुछ ऑनलाइन रहता है तो फिर टैक्स अथॉरिटी का किसी भी इस तरीके के सिस्टम के साथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, और यानी कि वो अपने हिसाब से फिर काम कर पाएंगे। तो एक अच्छा एक पहलू आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। ये टर्म आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, डिसइन्वेस्टमेंट, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला जा रहा है जब यहां पर जब कोई कंपनी अपना जो बिजनेस या फिर उसका कोई पार्ट यहां पर डिस्पोज करती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन यहां पर अपना पार्ट सेल करती है या फिर एंटायर डिविजन को सेल कर देती है अपनी एसेट्स के, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये एक फाइनेंशियल टूल है जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी में इसको यूज करती है। यहां पर बोला गया प्राइवेट कंपनी जब सेल करती है अपने जो पार्ट स्टॉक मार्केट में, तो इसको यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। होता क्या है, बेसिकली जब गवर्नमेंट को यहां पर पैसा चाहिए होता है तब वो क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीके से गवर्नमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो अपना कोई पार्ट बेचती है या फिर अपने आप को कंप्लीट को बेच दे, तो उस तरीके से आप लोग उसको बोल सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के बहुत सारे बिजनेस है, उसमें से एक बिजनेस उसके द्वारा बेच दिया गया तो ये उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। कई सारे पीएसयूज हैं गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वो क्या करती है, उसका कुछ पोर्शन बेच देती है। और खासकर ये तब तक होता है जब तक 51% ना हो जाए। जैसे ही 51% बेच दिया तो फिर जो पावर होती है वो यहां पर दूसरी कंपनी के हाथ में चली जाती है, उसके पास में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि 51% शेयर अपने पास में रखे, बाकी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है, ताकि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी गवर्नमेंट के ही हाथ में रहे। ठीक है, तो आंसर भी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट्स 2019 के बारे में। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यह आप लोगों को बताना है। 39th एडिशन इसका जो अभी देखने को मिला, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो ये KIIT एंड KISS में भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिला। जिसको फाउंड किया गया वो 1999 में इसको बनाया गया, और वर्ल्ड कांग्रेस जो यहां पर बात की जा रही है पोएट के बारे में, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया ओनली थ्री, डी में बोला गया वन एंड थ्री। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी के फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, पर लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। रीजन क्या है, जिसको फाउंड किया गया था ये 1969 में फाउंड किया गया था, और इंडिया में इससे पहले भी इसकी मीटिंग हो चुकी है, जो सबसे पहले यहां पर देखने को मिली थी ये चेन्नई में मिली थी 1986 में। फिर इसके बाद में जो सेकेंड आप लोगों को देखने को मिली ये 2007 में, ये भी चेन्नई में आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, FATF बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, बोला गया है कि जो इसको ये एक तरीके इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। ये एस्टेब्लिश की गई थी, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था G20 कंट्रीज के द्वारा। ये यहां पर हेल्प करती है पॉलिसी मेकिंग, खासकर जो नेशनल और एक तरीके से जो वेरियस एरिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को। इसी के साथ में यहां पर FATF का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को OECD में आप लोगों को नजर आएगा, जो कि पेरिस में है। इसको बोलते क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया वन एंड टू, बी में बोला गया वन टू थ्री, सी में बोला गया वन थ्री फोर, डी में बोला गया थ्री एंड फोर। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर सी, यानी कि फर्स्ट सही है बिल्कुल, 1989 में एस्टेब्लिश किया गया। थर्ड भी सही है यहां पर बिल्कुल, ये एक तरीके से हेल्प करती है अलग अलग गवर्नमेंट को अपनी कंट्री में चीजों को एस्टेब्लिश करने में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कराने में। OECD जो पेरिस में हेडक्वार्टर है वहां पर ये एक तरीके से एस्टेब्लिश की गई है। अब यहां पर जब बात की जा रही है इनिशिएटिव की, तो ये यहां पर ये G7 कंट्री का इनिशिएटिव है, ना कि G20 कंट्री का इनिशिएटिव है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। इसके बारे में कुछ और बातें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो ये है, रिसेंटली अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तो ग्रे लिस्ट से हटाकर उसको डार्क ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बीच में एक लिस्ट होती है जिसको डार्क ग्रे लिस्ट बोलते हैं, तो पाकिस्तान को उसमें डाल दिया गया। इसका मतलब यह पाकिस्तान को फाइनल चेतावनी दे दी गई है, अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो फिर उसको सुधार दिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी को फाइनेंस किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और दो मुद्दे पर यह काम करती है, एक तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग
को रोकती है और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है। और इनमें से टेररिस्ट फाइनेंसिंग बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा है। तो इसी के चलते अभी चेतावनी दी गई है, आगे चलकर पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान की तौबा हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी कोई चीज होगी, ना कोई पाकिस्तान की रैंकिंग तैयार करेगा, तो पाकिस्तान को कोई फिर इसके अलावा हथियार भी नहीं बेचेगा, तो ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान को झेलनी पड़ जाएगी। तो आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है फायर क्रैकर्स के बारे में, और इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। बोला जा रहा है कि कौन सा कलर यहां पर किसकी वजह से निकलता है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि यहां पर ये कलर के नाम दे रखे हैं और किस सोल्ट की वजह से निकलता है ये कलर, आप लोगों को ये बताना है क्वेश्चन में। रेड बोला जा रहा है यहां पर, ये स्ट्रोंटियम सोल्ट की वजह से निकलता है, जो कि नाइट्रेट, कार्बोनेट्स और इसी के साथ में सल्फेट्स ऑफ स्ट्रोंटियम आप लोगों को नजर आएंगे। ऑरेंज जो कलर है यहां पर कैल्शियम सोल्ट की वजह से निकलता है, ये कार्बोनेट, क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम नजर आएंगे। ब्लू कलर यहां पर सोडियम सोल्ट की वजह से निकलता है, नाइट्रेट्स एंड ऑक्सीडेट्स ऑफ सोडियम नजर आएंगे। ग्रीन कलर यहां पर बेरियम सोल्ट की वजह से निकलता है, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और क्लोराइड्स ऑफ क्लोरेट्स ऑफ बेरियम आप लोगों को नजर आएंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो कौन सी इनकरेक्ट है, तो ये यहां पर सी, यानी कि ब्लू कलर के बारे में। ब्लू कलर यहां पर सोडियम सोल्ट की वजह से नहीं निकलता है, यहां पर ये कॉपर सोल्ट की वजह से निकलता है, तो ये यहां पर गलत हो गया। कॉपर सोल्ट में आप लोगों को कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर नजर आएंगे, तो ये हो गया यहां पर सी आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग और समझ सकते हैं यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है। बेसिकली अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन क्रैकर के बारे में, यानी कि जो आप लोगों को दीपावली बनानी है वो ग्रीन क्रैकर से बनानी है। तो इसके चलते यहां पर जो ग्रीन क्रैकर बनाने की बात की गई, ये यहां पर हमारी कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर बात की गई। तो यहां पर जो यहां पर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, व्हाइट, ये अलग अलग कलर आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं जब यहां पर पटाखों को जलाया जाता है। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम सोल्ट हो गया, सोडियम हो गया, बेरियम, यहां पर बेरियम हो गया, कॉपर हो गया, ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलता है यहां पर स्ट्रोंटियम और कॉपर का। और ये बर्निंग मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और यहां पर टाइटेनियम जो नजर आती है उसकी वजह से ये कलर निकलता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं, कई बार मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है। ग्रीन क्रैकर की अगर बात करें तो लो एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन नजर आएगा, रिड्यूस करेंगे यहां पर जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उसको भी यहां पर, और इसी के साथ में जीरो एमिशन NO और SO2 का आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि रिड्यूस देखने को मिलेगा, जीरो तो नहीं होगा खैर। जो यहां पर जो खासकर जो आग वगैरह जलने की वजह से जो आग जो राख होती है वो भी आप लोगों को कम नजर आएगी यहां पर, और 25 से 30 के बीच यहां पर ये रिड्यूस कर देते हैं पार्टिकुलेट मैटर को। तो ये है आंसर आप लोगों का सी से ही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर्म किया गया था 1965 में हेल्प करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए पॉवर्टी और अचीव करने के लिए सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये एक तरीके से जो UNDP है ये लेजिस्लेटिव बोर्ड है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में, यानी कि कानून बनाने का काम करता है। इसी के साथ में UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है यहां पर ये इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 से, जो कि एनालाइज करती है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 1 एंड 3, सी बोला गया 2 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ABCFD। सही आंसर यहां पर इसका बी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है यहां पर, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो एग्जीक्यूटिव यहां पर काम करते हैं, ये लेजिस्लेटिव का काम नहीं करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है यहां पर वो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है इलकल, ये ट्रेडिशनल साड़ी है तो किस पर्टिकुलर एरिया से ये बिलोंग करती है। ए में बोला गया कर्नाटका, बी में बिहार, सी में आंध्र प्रदेश, डी में वेस्ट बंगाल। सही आंसर क्या है, ABCFD। सही आंसर यहां पर इसका ए, कर्नाटका के अंदर। ये यहां पर कुछ ऐसी साड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो बॉर्डर आप लोग यहां पर देखते हैं वो थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा, और यहां पर ये कुछ ऐसी कढ़ाई भी आप लोग इसके ऊपर देख सकते हैं। ये इलकल जो है ये पर्टिकुलर रीजन है कर्नाटका के अंदर, एक स्मॉल टाउन है जिसके नाम पर यहां पर ये साड़ी जो है ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो साड़ी ये फेमस है ये कर्नाटका के अंदर फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें एक डांस के बारे में जिसको बोला जा रहा है जावरा, तो ये पर्टिकुलर डांस किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है। ए में बोला गया मध्य प्रदेश, बी में बोला गया यहां पर बिहार, सी में तमिलनाडु और डी में कर्नाटका। सही आंसर यहां पर क्या है, ABCFD। सही आंसर यहां पर इसका ए, मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर परफॉर्म किया जाता है ये डांस, कुछ ऐसा आप लोग यहां पर इसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट एक तरीके से यहां पर है ये किसानों से रिलेटेड है, यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं, यहां पर तो जो पैदावार वगैरह होती है उससे रिलेटेड यहां पर हार्वेस्टिंग डांस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया यहां पर।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम्स के जाकर, लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। सारी वीडियो के लिंक आप लोग यहां पर इकट्ठे और पीडीएफ भी मिल जाएगी, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे साथ आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।